नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं कोरल ड्रॉ का ये ट्यूटोरियल। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन कोरल में बहुत यूज होती है और इसी के लिए हम कहीं कहीं पे अटक जाते हैं। तो आपको आज हम बताएंगे कि कोरल में इमेज ट्रेस कैसे किया जाता है, या आप कहीं लोगो बना रहे हैं तो लोगो को कैसे ट्रेस किया जाता है, किसी भी चीज़ को ट्रेस करके उसे वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज उठाते हैं, गूगल में जाएंगे और गूगल में जाके हम यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं और उसको हम कोशिश करेंगे ट्रेस करने की। तो आज हम यहाँ पे ये इमेज ले लेते हैं, ये JPG इमेज है और इसको हम ट्रेस करेंगे कोरल में। तो किस तरह से ट्रेस करेंगे पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीट मैप में जाके मोड में जाएंगे और मोड में जाके इसे ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, क्योंकि अगर ब्लैक एंड वाइट करने से जो है ये प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट इमेज हो जाता है, वरना अगर हम इसे ट्रेस करेंगे तो डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसे ब्लैक एंड वाइट कर लीजिए। यहाँ पे लाइन आर्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे के ओके पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। उसके बाद ट्रेस मैप पे क्लिक करके आउटलाइन ट्रेस में जाके हम लाइन आर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रिमूव कलर फ्रॉम एंटायर इमेज पे क्लिक कर देंगे, ताकि पूरा इमेज जो है में से जो कलर है वो पूरा रिमूव हो जाए और हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा इमेज जो है वो ट्रेस हो चुका है और ये वेक्टर फॉर्म में आ गया है। वेक्टर फॉर्म वो चीज़ होती है जिसमें आप कितना भी उसको जूम करें तो वो आपका इमेज जो है पिक्सलेट नहीं होता है, फटता नहीं है। कलर सिलेक्ट करके कलर कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो कोरल में इमेज को ट्रेस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम उसे किसी भी साइज़ में, किसी भी कलर में यूज कर सकते हैं। तो आपको आज का ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो लेके आते रहेंगे। और कमेंट करके आपकी बेहतरीन राय हमसे ज़रूर साझा करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।